दोस्तों, मैं हूं शिवेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसा मौसम ग्राफिक्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल लेके आया हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो 2D शेप बस्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। 2D शेप जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पोलीगन, इन सबको मिलाकर बस्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसी तरह के आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई इस तरह के न्यू ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन, वेट 1920, हाइट 1080, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन लेंगे 5 सेकेंड और ओके क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे बैकग्राउंड। आप यहाँ कोई भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस है, या बैकग्राउंड नहीं भी ले सकते आप। बैकग्राउंड को मैंने ले लिया है और प्रेस कर दिया टाइमलाइन पे। उसके बाद इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके फिट टू कॉम करेंगे ताकि हमारी कंपोजिशन में फिट हो जाए। उसके बाद हम इसे लॉक कर देंगे। सबसे पहले इसके ओपेसिटी को थोड़ी घटा देते हैं क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ब्राइट है। चलिए अब ठीक है, अब इसे लॉक कर देंगे। अब राइट क्लिक करके न्यू शेप लेयर क्रिएट करेंगे। इस शेप लेयर को एक्सपेंड करेंगे, ऐड करेंगे एक एलिप्स, साथ ही स्ट्रोक। अब इसके एलिप्स पाथ को हम लोग एनिमेट करेंगे। सबसे जाएंगे 20 फ्रेम्स पे और इसके साइज़ पे की फ्रेम क्रिएट कर देंगे और इसके स्टार्टिंग में जा कर के इसके साइज़ को 0 कर देंगे। इसके बाद इसके स्ट्रोक विड्थ में जा कर के स्ट्रोक विड्थ सेट करेंगे 15। स्ट्रोक विड्थ 15 सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसके 20 फ्रेम्स में जा कर के इसके स्ट्रोक विड्थ को 0 कर देंगे। अब इस दोनों चारों की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। की फ्रेम असिस्टेंट इजी इज ग्राफ एडिटर में जाके इसके ग्राफ को इस तरह से एडिट कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग ग्राफ को इस तरह से एडिट कर लेंगे तो हमें जो एनिमेशन मिलेगा वो इस तरह का। हम इसे 2 सेकंड पे जा कर के इसे लॉक कर देते हैं, इसके बाद चेक करते हैं तो हमें इस तरह का एनिमेशन मिल रहा है। हम जाके इसके शेप लेयर के साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, इसका डुप्लीकेट कर लेंगे और इसके पोजीशन को एनिमेट करेंगे। पी दबाने से पोजीशन आ जाएगा। सबसे पहले इसके पोजीशन को स्टार्टिंग में इसका की फ्रेम क्रिएट करते हैं। इसको 20 फ्रेम्स में जाने के बाद इसे इस तरह से ड्रैग करते हैं, साथ ही हैंडल्स को थोड़ा सा घुमा देते ताकि हमारा एनिमेशन जो थोड़ा अच्छा दिखे। इसी तरह से इस शेप लेयर के भी पोजीशन क्रिएट करेंगे। इसके स्टार्टिंग में जा कर के की फ्रेम क्रिएट करते हैं और 20 फ्रेम्स में जाने के बाद इसे नीचे की तरफ ड्राइव करते हैं। इस चारों की फ्रेम को राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट इजी करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाके ग्राफ को इस तरह मिडिल में प्लेस करेंगे ताकि हमारा एनिमेशन जो है स्मूथ हो। अभी देख लेते हैं हम लोग का एनिमेशन किस तरह का आ रहा है। ये देखिए, हमारा एलिप्स का तो हो गया। अब हम लोग न्यू शेप लेयर क्रिएट करके इसमें रेक्टेंगल ऐड करेंगे। इसको ऐड रेक्टेंगल, एड स्ट्रोक, रेक्टेंगल पाथ में जाके इसके साइज को फिर से एनिमेट करेंगे।
इसके 20 फ्रेम्स में जाने के बाद हम लोग इसके साइज़ का की फ्रेम क्रिएट करेंगे। इसके फिर स्टार्टिंग में साइज़ के वैल्यू को 0 करेंगे। इसी तरह इसके स्ट्रोक विड्थ को इसमें हम लोग स्ट्रोक विड्थ 20 ले लेते हैं और स्टार्टिंग में की फ्रेम क्रिएट करते हैं। फिर 20 फ्रेम्स में जाने के बाद इसके स्ट्रोक विड्थ को 0 कर देते हैं। चारों की फ्रेम को ईजीज कर लेते हैं। इसका डुप्लीकेट करके दोनों के पोजीशन को एनिमेट कर लेंगे। इसके स्टार्टिंग में जा करके इसे भी उसके की फ्रेम को क्रिएट करेंगे और 20 फ्रेम्स के बाद इसे मूव करेंगे। इसके हैंडल्स को थोड़ा सा इस तरह से प्लेस करेंगे। इसी तरह से शेप लेयर को भी पोजीशन को एनिमेट करते हैं। स्टार्टिंग में जाकर के की फ्रेम क्रिएट करेंगे। 20 फ्रेम्स के बाद इसके पोजीशन को इधर मूव करेंगे। चारों की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज ग्राफ एडिटर और ये जो हम ग्राफ एडिटिंग कर रहे हैं हमारा स्पीड ग्राफ है। सिर्फ हमें स्पीड ग्राफ को ही एडिट करना है। इसके बाद राइट क्लिक करके न्यू शेप लेयर और इस पर हम लोग क्रिएट करेंगे पॉलीस्टार। पॉलीस्टार में हम लोग यहाँ पे टाइप स्टार इसके पॉइंट्स को बढ़ा करके 7 भी कर सकते हैं, चाहे जितना भी हम रख सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ 7 ले रहा हूँ। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगा मैं स्ट्रोक। इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं सेट करता हूँ 20। स्ट्रोक विड्थ यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रोक विड्थ का। इसके बाद 20 फ्रेम्स पे जाने के बाद इसे 0 कर देता हूँ। इसे इजी कर लेते हैं। इसके बाद इसके ट्रांसफॉर्म में जा करके इसके स्केल प्रॉपर्टीज में जा करके यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करेंगे 20 फ्रेम्स में जाने के बाद। उसके बाद स्टार्टिंग में इसे 0 कर लेंगे। इसी तरह से इसका डुप्लीकेट कर देंगे दूसरों की तरह। फिर इसके भी पोजीशन को एनिमेट करेंगे। 20 फ्रेम्स में जा करके के पोजीशन को इस तरह से क्रिएट करेंगे। फिर शेप लेयर 6 में जा करके इसके भी पोजीशन को एनिमेट करेंगे। इसके स्टार्टिंग में जा करके इसे इसका की फ्रेम क्रिएट करते हैं। उसके बाद 20 फ्रेम्स पे से इस तरह से मूव कर देते हैं। चारों की फ्रेम को इजी कर लेते हैं। अभी हमारे पास ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। अब इसमें सारे कलर्स वाइट ही दिख रहे हैं तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग इसके स्ट्रोक पे जा करके इसके कलर को अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। अलग अलग कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। शेप लेयर 5 में जाएंगे,
इसके कंटेंट में जा करके, स्ट्रोक में जा करके इसके कलर को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का हमें एनिमेशन मिलता है। इसे एनिमेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम इसके सारे इसके मोशन ब्लर को हम ऑन कर देते हैं। और ये जो बड़ा वाला मोशन ब्लर का आइकन है इसको भी हम लोग चेक मार्क कर देंगे। जब तक हम लोग इसे ऑन नहीं करेंगे हमारा मोशन ब्लर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों हमें इस तरह का एनिमेशन मिलता है। इसको और अच्छा बनाने के लिए, इसको इसमें और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे प्री कंपोज कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं शेप्स। मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन। ओके, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं दो बार। इसके रोटेशन को ऑन करते हैं। इस तरह से इसे रोटेट कर देंगे और इसे पोजीशन को भी इधर थोड़ा फिक्स कर देंगे। इसी तरह से इस शेप को भी इसके भी रोटेशन को तो हमें इस तरह का एनिमेशन मिलेगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और आगे इसी तरह का ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।